दोस्तों जंगली रमी में आपको इंस्टेंट विड्रॉल नहीं करना तो आपको इंस्टेंट विड्रॉल करके दिखाऊंगा, और लास्ट एंड तक आप मेरे बैंक अकाउंट में कैसे क्रेडिट होता है और मैसेज कैसे आता है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो पहले आपको इंस्टेंट विड्रॉल करने के लिए आपको मिनिमम आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका KYC होना चाहिए। ये पूरा का पूरा विड्रॉल करने के लिए आपको ज़रूरी है, और अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेना है आपको। ये पूरा का पूरा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेरा पूरा पहले से ही बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, और मेरा पहले से ही बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद डायरेक्टली KYC भी ऐड हो चुका है। तो मेरे पास बैलेंस भी देख सकते हो, 4321 रुपीज़ मेरे पास बैलेंस है। आपको ये इंस्टेंट विड्रॉल करके दिखाऊंगा, इंस्टेंट सिर्फ एक क्लिक करते तो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। विड्रॉल के लिए आपको कुछ करना नहीं, नीचे मेन्यू पर चला जाना है। तो मैं नीचे मेन्यू पर चला जाता हूँ, तो ये देख लीजिए मेनू पे चले जाने के बाद ऊपर KYC और विड्रॉल, ऊपर KYC आपका जरूरी होना चाहिए, KYC तभी आप विड्रॉल लगा सकते हो, नहीं तो आप विड्रॉल नहीं लगा सकते हो। तो विड्रॉल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली रिक्वेस्ट विड्रॉल और विड्रॉल डिटेल, तो रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक कर लेना है। तो रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ये देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है। तो योर विड्रॉल बैलेंस है, मेरा पूरा का पूरा बैलेंस विड्रॉल आप देख भी सकते हैं, उसमें आपको बैलेंस डाल देना है। तो नीचे आपका अकाउंट नंबर रहेगा, बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, IFSC कोड रहेगा, और आपका पूरा का पूरा नीचे नाम रहेगा। ये पूरा का पूरा डिटेल डालने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं, आपका डायरेक्टली विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं अमाउंट डाल देता हूँ, अमाउंट डालने के लिए आपको देख लीजिए ऊपर मैंने अमाउंट डाल दिया, अमाउंट डाल दिया। तो अमाउंट डालने के बाद डायरेक्टली आपको वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो ऑलरेडी मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, बैंक ये देख लीजिए पूरा का पूरा नाम है, ये पूरा का पूरा मैंने ऐड हो चुका है, तभी मैं विड्रॉल कर लगा सकता हूँ। तो वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक कर लेता हूँ। वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गए, वी हैव रिसीव यन 24 to 48 पे आ जाएगा। तो मिनिमम इंस्टेंट विड्रॉल हो जाता है, डायरेक्टली सिर्फ एक क्लिक कर दे दो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो गए ये 4321 रुपीज़। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिए विड्रॉल डिटेल, विड्रॉल डिटेल पे चेक कर लेता हूँ। तो ये देख लीजिए इन प्रोग्रेस में, इन प्रोग्रेस मतलब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तभी आपको एक फुल फिलेट का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, और डायरेक्टली फुल फिलेट हो जाएगा, और डायरेक्टली इंस्टेंट विड्रॉल क्रेडिट भी हो जाएगा, और मैसेज भी आ जाएगा फुल फिलेट का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।